चार्ट्स। जैसा कि हमने बात की कि हम लोग जो टॉपिक चालू करेंगे 1.8, दैट इज मोड कॉन्सेप्ट। अच्छा, मोड कॉन्सेप्ट टॉपिक चालू करने से पहले आपको मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। मैंने यहां पे अलग अलग आइटम के एटॉमिक मास लिखे है। ये जो एटॉमिक मास होता है या तो मॉलिक्यूलर मास होता है उसका जो यूनिट है दैट इज AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। या तो उसको सिंपल यू से भी बताया जाता है या तो वो होता है ग्राम पर मोल। ये कैसे होता है वो हम अभी पढ़ेंगे बाद में। पहले तो यहां पे ये समझ लो कि कोई भी कंपाउंड जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। फिर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट चालू करेंगे। तो एक एग्जांपल से लेते हैं, मानो कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो यहां पे अगर पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट आपको कैलकुलेट करना है तो दैट इज एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम प्लस एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन प्लस तीन ऑक्सीजन है तो 3 × एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट देखो 40 है, कार्बन का एटॉमिक वेट देखो 12 है प्लस 3, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट देखो 16 है। तो ये जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपको मिलता है 100। इसका यूनिट या तो आप लिखो ग्राम पर मोल या तो आप लिखो AMU। यूजुअली ग्राम पर मोल हम यूज करेंगे। ये इन शॉर्ट इसका यूनिट हुआ, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मानो कि H2SO4, ठीक है। तो इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है तो E=2 × एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट है 1 प्लस सल्फर का एटॉमिक वेट 32 प्लस 4 × एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये टोटल आप कैलकुलेट करोगे आपको मिलेगा 98 ग्राम पर मोल, ठीक है। दूसरा अगर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो कार्बन जो है उसका एटॉमिक वेट 12 प्लस 2 × ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, टोटल कितना होगा 44, ठीक है। तो इस तरीके से हम एटॉमिक वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो मॉलिक्यूलर वेट इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो C6H12O6, तो यहां पे अगर ग्लूकोज नाम है ये कंपाउंड का, तो ग्लूकोज का अगर हमें मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है तो इट इज 6 × एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन दैट इज 12 प्लस 12 × एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1 प्लस 6 × एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16। तो ये टोटल आपको मिलेगा 1 × 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी कंपाउंड जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मैं आपको थोड़े एग्जांपल भेजूंगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपको कैलकुलेट करना है। तो अभी मैं चालू करूंगा जो टॉपिक है दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। इसको आप कहीं पे लिख लेना, जब क्लास चालू होगा तो इसको याद कैसे रखना है वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चैप्टर का टॉपिक मोल। मोल जो है उसकी चार अलग अलग डेफिनेशन है, ये आपको टेक्स्ट बुक में से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। मोल की चार अलग अलग डेफिनेशन है। मोल जो है कोई भी कंपाउंड का एक मोल उसका मतलब होता है कि उसके 6.02 × 10³ मोलेक्यूल्स, या तो अगर एटम भी है तो एटम्स। कोई भी कंपाउंड का एक मोल जो होता है दैट इज इक्वल टू गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। सब समझाऊंगा। अगर पर्टिकुलर गैसियस मॉलिक्यूल की बात करें तो गैसियस मॉलिक्यूल के लिए जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है 22.4 लीटर दैट इज एट SPP, और लास्ट जो दैट इज ग्राम मोलिक्यूलर वेट। अच्छा, इसको एक सबसे सिंपल फॉर्म में
अंडरस्टूड करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। वो उसके पहले एक आप देख लो, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो ये है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कंपाउंड का जितना मॉलिक्यूलर वेट उतना अगर आप ग्राम लेते हो, दैट मीन्स यू हैव टेकन वन मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। आई रिपीट, कोई भी कंपाउंड का जितना मॉलिक्यूलर वेट है उतना अगर आप ग्राम लेते हो, दैट मीन्स वी हैव टेकन वन मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे CO2 है, अभी हमने उसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किया था 44, फिर ग्लूकोज था C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर वेट अभी हमने कैलकुलेट किया था 180, फिर H2 इसका मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन का एक होता है दो हाइड्रोजन यानी दो है, ठीक है। तो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44 है, ग्लूकोज का 180 है, हाइड्रोजन का 2 है। तो मैंने यहां पे ये बोल रहा हूं कि कोई भी कंपाउंड का जितना मॉलिक्यूलर वेट है उतना अगर आप ग्राम लेते हो, दैट मींस यू हैव टेकन वन मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। तो अगर मैं 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूं, दैट मींस आई हैव टेकन वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज लेता हूं, दैट मींस आई हैव टेकन वन मोल ऑफ ग्लूकोज। और अगर मैं 2 ग्राम हाइड्रोजन लेता हूं, दैट मींस आई हैव टेकन वन मोल ऑफ हाइड्रोजन। आई रिपीट, समझना, कोई भी कंपाउंड का जितना मॉलिक्यूलर मास है उतना अगर आप ग्राम लेते हो तो आपने एक मोल कंपाउंड लिया, ऐसा आप बोल सकते हो। CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44 है, सो 44 ग्राम ऑफ CO2 दैट मींस 1 मोल ऑफ CO2। ग्लूकोज का 180 है, तो 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दैट मींस 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। और हाइड्रोजन का 2 दैट मींस 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हो, अगर सपोज आप मार्केट में जाते हो और फ्रूट सेलर को आप बोलते हो भाई मुझे एक डजन वाटरमेलन दे दो, ठीक है, तो वो आपको एक डजन वाटरमेलन जब आपने मांगा है तो आपको 12 पीस वाटरमेलन देगा, क्योंकि आपने एक डजन बोला तो 12 पीसेस आपको मिलेंगे। उसका वेट कितना भी हो सकता है, मान लो उसका वेट 60 केजी हो रहा है, बहुत अच्छे अच्छे वाटरमेलन है 60 केजी है। अब आप ये बोल रहे हो कि गिव मी वन डजन ऑफ मैंगो, जब आपने डजन वर्ड यूज किया है तो आपको 12 पीस ही देगा और उसका जो वेट है, ठीक है, वो मानो कि 5 केजी हो रहा है। और अब आप ये मांग रहे हो कि गिव मी वन डजन ऑफ ग्रेप्स, द्राक्ष, वन डजन ऑफ ग्रेप्स, तो वो आपको 12 पीसीस ही ग्रेप्स के देंगे जिसकी वेट मानो कि 50 ग्राम ही हो रही है। समझो एक चीज, जब आपने एक डजन वर्ड मांगा है तो वो आपको 12 पीसेस दे रहा है इरिस्पेक्टिव टू देयर वेट, ठीक है। अगर मैं वन डजन वाटरमेलन बोल रहा हूं तो उसके अंदर 12 पीसेस ही आएंगे, अगर मैं वन डजन मैंगो बोल रहा हूं तो 12 पीसेस ही आएंगे, वन डजन ग्रेप्स बोल रहा हूं तो 12 पीसेस ही आएंगे, उसका वेट कुछ भी हो। बट जब डजन वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो पीसेस तो 12 ही होंगे। सेम वे अगर आप कोई भी कंपाउंड का एक मोल लेते हो तो आपको उसके अंदर 6.02 × 10²³ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। जैसे एक डजन के अंदर 12 पीसेस होते हैं, वैसे कोई भी कंपाउंड का एक मोल जब आप लेते हो तो उसके अंदर 6.02 × 10²³ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अब देखना, अभी मैंने जैसे बताया जितना मॉलिक्यूलर वेट उतना ग्राम, दैट मीन्स 1 मोल। तो अगर मैं 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा हूं, दैट मीन्स आई एम टेकिंग 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, that means I am taking 6.02 × 10²³ molecule of carbon dioxide. If I am taking 180 gram of glucose, that means I am taking 1 mole of glucose, that means I am taking 6.02 × 10²³ molecule of glucose. If I am taking 2 gram of hydrogen, that means I am taking 1 mole of hydrogen, that means I am taking 6.02 × 10²³ molecule of hydrogen. So, agar iske sath compare karo, तो ये आपका मैंगो हो गया, ये आपका वाटरमेलन हो गया और ये आपका ग्रेप्स हो गया। इरिस्पेक्टिव टू देयर मास, जब कोई भी कंपाउंड का आप वन मोल लेते हो तो उसके अंदर आपको 6.02 × 10²³ मॉलिक्यूल्स ही देखने को मिलते हैं। समझ में आ रही है बात? ओके, अब दूसरा, कोई भी गैस जो होता है उसका अगर कोई भी रिटायर लिपिड, कोई भी गैस जो है उसका अगर मैं वन मोल लेता हूं
और उसका जब मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूं तो वॉल्यूम मुझे फिक्स मिलता है, दैट इज 22.4 लीटर एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमने 298 के और स्टैंडर्ड प्रेशर 180 प्रेशर हमने कंसिडर किया, ठीक है। तो लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? गैसियस कंपाउंड के लिए। इसे हम रिपीट के लिए नहीं है, वो सिर्फ गैसियस कंपाउंड के लिए ही होता है, ठीक है। तो अब एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझ लो, जितना मॉलिक्यूलर वेट उतना ग्राम, दैट मीन्स 1 मोल। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44 है, तो 44 ग्राम ऑफ CO2, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ CO2, दैट मीन्स 6.02 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, दैट मीन्स 22.4 लीटर ऑफ CO2। याद रखना, कोई भी कंपाउंड का जब एक मोल होता है, कोई भी गैसियस कंपाउंड का जब एक मोल होता है तो उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, दैट इज 22.4 लीटर। ये तो गैस नहीं है तो इसका तो वॉल्यूम हम मेजर कर नहीं सकते, इसकी बात करते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 है, तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स 6.02 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। कोई भी गैस मिले दुनिया का, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन, N2। नाइट्रोजन का एटोमिक वेट 14 होता है, N2 है यानी 28। तो अगर आप 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन ले रहे हो, दैट मीन्स यू हैव टेकन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, दैट मीन्स यू हैव टेकन 6.02 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, दैट मीन्स यू आर हैविंग 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। और एक जो चौथी डेफिनेशन है, दैट इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसको हम अभी एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। तो इन शॉर्ट, आपको मोल के अंदर अब तक ये चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी कंपाउंड का जब आप एक मोल लेते हो तो उसके अंदर 6.02 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कोई भी गैसियस कंपाउंड का जब आप एक मोल लेते हो तो उसका जो वॉल्यूम आप मेजर करते हो, दैट इज 22.4 लीटर। कोई भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है उतना अगर आप ग्राम ले लिया आपने, तो आपने एक मोल कंपाउंड ले लिया हो। और ये फोर्थ डेफिनेशन जो है वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं।